उत्तर प्रदेश का काशी अपना साल का आखिरी महापर्व देव दीपावली पूरे उत्साह के साथ मना रहा है। देव दीपावली के मौके पर काशी के गंगा घाट को दुल्हन की तरह सजा दिया गया और सभी 84 घाटों को झालर और दीपकों से प्रज्वलित किया गया। कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जश्न का माहौल हुआ और हर तरफ हर्ष और उल्लास दिख रहा था। पीएम मोदी ने इस खास मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भारत की प्राचीन संस्कृति, अध्यात्म और परंपरा के प्रतीक पर्व कार्तिक पूर्णिमा एवं देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पवित्र स्नान और दीपदान से जुड़ा यह अवसर हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। वाराणसी पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बताया कि देव दीपावली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और सभी बंदोबस्त के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि देव दीपावली को लेकर सभी 84 घाटों को 9 जोन, 16 सेक्टर और 32 सब सेक्टर में बांटा गया है। प्रत्येक जोन की जिम्मेदारी डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी को दी गई है। वहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए 17 एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम को घाटों पर तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी ब्रीफिंग में साफ तौर पर निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं के साथ अच्छा व्यवहार हो, इसलिए उनकी तरफ से भी सफलता का यही पैमाना होगा कि श्रद्धालु वाराणसी से सुख और संतुष्ट होकर वापस जाएं। इस बार खास बात यह है कि पूरा का पूरा विश्वनाथ धाम लाख दो लाख के फूलों से नहीं बल्कि देव दीपावली पर 80 लाख के फूलों से गमग रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्वनाथ धाम के इस 80 लाख रुपयों के फ्लावर डेकोरेशन का काम निशुल्क विशाखापट्टनम के बाबा विश्वनाथ के भक्त के बाबूराव द्वारा किया गया है, जिसमें देसी के साथ विदेशी फूलों की सुगंध भी शामिल है। इस सब के अलावा आकर्षण का केंद्र चेत सिंह घाट पर 3D प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए होने वाला लेजर शो भी रहा। ग्रीन आतिशबाजी का भी पूरा इंतजाम किया गया है। परंपराओं को जीवित रखने वाले उत्सव धर्मी काशी में सोमवार दोपहर बाद ही दीपोत्सव के लिए लाखों की भीड़ गंगा तट की ओर चल पड़ी। शाम होने से पहले ही घाटों की सीढ़ियां अनुष्ठानों से खचाखच भर गई। पूरे उत्साह के साथ महिलाएं, बच्चे और युवा घाटों पर दीप सजाने के लिए उतरे। सुरसुरी के घाटों पर कहीं स्वास्तिक तो कहीं ओम नम शिवाय तो कहीं हर हर महादेव के स्लोगन दीपों के अल्प नामों में प्रज्वलित हुए। शाम को पंचगंगा घाट पर जैसे ही हजारों दीप प्रज्वलित हुए, गंगा के किनारे 7.5 किलोमीटर का तट भी एक एक करके जगमगा उठा। अर्चंद्राकर घाटों पर चंद्रहार की तरह दीपक झिलमिलाने लगे। पर्यटकों ने इस अलौकिक नजारे को देखा तो बस देखते ही रह गए। गंगा की लहरों पर सतरंगी इंद्रधनुष आकाश से उतर गया। शहर से लेकर गांव और पंचक्रोशी का परिक्रमा पथ पर दीपों के प्रकाश से दादीमियाल हो उठे। कुंड, सरोवर, तालाब और मंदिरों में भी दीप जलाए गए। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद देव दीपावली को ऐतिहासिक बनाने के लिए डाक विभाग ने विशेष पहल की है। देव दीपावली, काशी विश्वनाथ धाम के साथ ही गंगा आरती पर विशेष आवरण और विरूपण चीफ पोस्टमास्टर जनरल कौशलेंद्र कुमार सिन्हा ने जारी किया। प्रधान डाकघर विश्वेश्वरगंज में चीफ पोस्टमास्टर जनरल ने कहा कि काशी की देव दीपावली अब लोकल से ग्लोबल हो चुकी है। श्री काशी विश्वनाथ धाम के नवे भव्य स्वरूप ने सभी को आकर्षित किया है। गंगा घाटों पर गंगा आरती की शोभा देखते बनती है। इन सभी पर विशेष आवरण व विशेष विरूपण जारी होने से वाराणसी की संस्कृति, परंपरा और धरोहर का भी और भी तेजी से देश विदेश में प्रचार प्रसार होगा। काशी के प्रमुख घाटों में से एक दशाश्वमेध घाट पर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। देव दीपावली का मुख्य कार्यक्रम राजघाट पर हुआ। चेत सिंह घाट पर लेजर शो हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के सामने गंगा पार रेती पर आतिशबाजी शुरू हुई। काशी के गंगा घाटों पर सोमवार शाम मानो पूरा देवलोक उतर आया। देव दीपावली महोत्सव दीपों के प्रकाश से प्रदीप्त गंगा के अप्रतिम सौंदर्य को निहारने के लिए देश दुनिया से लाखों लोग जुटे। घाटों को एक करते 10 लाख से ज्यादा दीपों का अलौकिक एवं नयन भिराम दृश्य कैमरों में कैद करने के लिए पर्यटकों में होट रही। शाम 4 बजते ही ऐसा लगा मानो पूरा शहर गंगा घाटों की ओर उमड़ पड़ा है। सूरज ढलने के बाद काशी से गले में चंद्रहार से सुशोभित गंगा घाटों पर अदृश्य
अध्रुव उभर कर आया। शंखनाद के स्वरों और घंटे घड़ियालों की घनघनाहट के बीच सिर्फ नामों से 80 घाट तक 10 लाख से भी अधिक दीपक जगमगा उठे। गंगा घाट के अलावा वरुण नदी और सभी धार्मिक कुंड, तालाब और मंदिरों में दीपों से सजावट की गई।